तो अभी रिलैक्स के बाद क्या होने वाला है, एक बहुत अच्छी कहानी सुनने वाला है। कहानी कौन सुनाएगा? आपकी क्लास की मैडम सुनाने वाली है। ठीक है, तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है, जिसमें दो बिल्लियां और एक बंदर होता है। ठीक है, एक बार दो बिल्ली रास्ते से जा रही थी, है ना, उन्हें रास्ते में एक रोटी दिखाई दी। तो एक बिल्ली ने कहा, अरे ये रोटी तो मैं खाऊंगी। दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं इसे मैं खाऊंगी। सामने बंदर बैठा हुआ था, कहां पे? पेड़ पे। उसने देखा कि अच्छा ये दोनों बिल्लियां लड़ रही है, चलो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। ठीक है, तो बंदर आया, बंदर ने कहा, अरे बिल्ली की मौसी तुम लड़ क्यों रही हो? बिल्ली मौसी, सब कहानी सुन रहे हैं, सबको मजा आ रहा कहानी सुनने में। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा हम उस रोटी का बंटवारा कैसे करें। अरे इतनी सी बात, लाओ मैं अभी कर लेता हूँ तुम्हारी रोटी का बंटवारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ये एक रोटी है, इसमें से आधी तुम्हारी आधी इनकी। ठीक है, ठीक है, अरे नहीं नहीं ये तो बड़ी हो गई। अच्छा ठीक है, इसे उसने फिर क्या करा, खा लिया। फिर उसे फिर टुकड़े करे दो, ये तुम्हारी ये मेरी है, अब मैं इसको ले लेती हूँ, लेकिन अभी तो बड़े छोटे टुकड़े हो गए। अरे अभी अभी देखो, मजा आ रहा है कहानी सुनने में, आवाज आ रही है। इसका फायदा किस